नमस्कार दोस्तों, एक तरह रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे आलू से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। इसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं और ये झटपट बनकर तैयार हो जाता है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने दो कच्चे आलू लिए हैं, जिसे मैंने अच्छे से छील कर धो लिया है। अब हम इसे काट लेंगे। हमें इसे चिप्स की शेप में काटना है, ना तो ज़्यादा मोटा काटना है और ना ही ज़्यादा पतला काटना है। देखिए, इस तरह से हम सभी आलू काट कर तैयार कर लेंगे। देखिए, मैंने दोनों आलू काट कर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे 2 से 3 बार अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे। इससे आलू का जो स्टार्च है वो निकल जाएगा, हमारा नाश्ता कुरकुरा बनेगा। देखिए, मैंने निकाल कर छलनी में रख लिया ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब हम इसे एक कॉटन के कपड़े पर रख देंगे ताकि इनका जो पानी है वो सारा सूख जाए। और अब हम इसे कपड़े से इस तरह से पोंछ लेंगे ताकि ऊपर से भी अच्छे से पानी को सोख ले। देखिए फ्रेंड्स, पानी जो है बहुत ही अच्छे से सूख गया है। अब हम एक पैन लेंगे, मैं नॉनस्टिक पैन लिया है। इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाल देंगे और तेल को हम पैन के अंदर अच्छे से फैला देंगे। अभी हमें गैस ऑन नहीं करना है। देखिए, मैंने तेल को बहुत ही अच्छे से पैन के अंदर फैला दिया है और अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और इसके ऊपर हम ये स्लाइस जचा देंगे। देखिए, इस तरह से। और थोड़ी सी साइड में जगह रहनी चाहिए, एकदम साइड से चिपका के ना रखें। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देंगे और बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाल देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और अब हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। और अब हम एक बाउल लेंगे, उसके अंदर 1/2 कप बेसन डाल देंगे और 1/4 कप हम मैदा डाल देंगे। मैदे की जगह आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। कद्दूकस किया हुआ अदरक और लहसुन डाल देंगे, चिली फ्लेक्स डाल देंगे 1 चम्मच, ऑरिगेनो डाल देंगे 1/2 चम्मच, हरी मिर्च डाल देंगे 2 बारीक कटी हुई और बिल्कुल थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। और नमक डाल देंगे हम। नमक हमने पहले भी डाला है, इसका ध्यान रखें। 2 पिंच के करीब हल्दी पाउडर डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप और मसाले इसके अंदर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, जैसे चाट मसाला हुआ, गरम मसाला हुआ, लाल मिर्ची पाउडर हुआ, वो आपके टेस्ट के ऊपर है। और इसका हम एक गाढ़ा सा घोल बना लेंगे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1/4 चम्मच मीठा सोडा और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें घोल ज़्यादा पतला नहीं बनाना है और इसे मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड, हमें इस तरह का घोल चाहिए। घोल हमारा ना तो गाढ़ा है ना पतला है। आप देख सकते हैं आलू जो है वो थोड़े पक गए। अब हम इसके ऊपर चीज स्लाइस रख देंगे। चीज स्लाइस को मैंने छोटा छोटा सा कट कर लिया है। आप इसकी जगह मोजरेला चीज़ भी ले सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड। देखिए, मैंने चीज स्लाइस लगा दी है। मैंने 1 चीज स्लाइस ली है जिसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे बैटर। तो बैटर हमें बहुत ही ध्यान से डालना है, इससे हमारे आलू जो है बहुत ही अच्छे से कवर होने चाहिए, दिखने नहीं चाहिए और चीज़ भी दिखनी नहीं चाहिए, नहीं तो मेल्ट होके ये ऊपर की साइड आ जाएगी। तो बैटर को एकदम ध्यान से डालें और आलूओं को बैटर से एकदम कवर कर दें। देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे से आलूओं को कवर कर दिया है और अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और ट्रांसपेरेंट होने तक इसे पकने देंगे। धीमी धीमी आंच पे हमें पकाना है। देखिए, आप देख सकते हैं ये ऊपर से अच्छे से सूख गया है, बिल्कुल भी गीला नहीं है। गीला गीला आपको बिल्कुल भी नहीं पलटना है, नहीं जब हम इसे पलटेंगे तो जो बेसन है वो हमारे प्लेट के ऊपर लग जाएगा। तो ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दें अगर हम पलटें तो ये दूसरी ओर भी अच्छे से सिक सके। अब हम इसे पलट लेंगे। एक प्लेट लेंगे, पैन के ऊपर रखेंगे और उल्टा कर देंगे। देखिए, बहुत ही अच्छे से एक साइड से सिक गया है और अब हम इसको पैन के अंदर डाल देंगे और दूसरी ओर भी हम 3 से 4 मिनट तक सिकने देंगे। देखिए, बहुत अच्छे से सिक गया है और अब हम इसे निकाल लेंगे, गैस को बंद कर देंगे। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। आप इसके ऊपर ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, हरी मिर्च जो चाहे छिड़क सकते हैं फ्रेंड, चाट मसाला वगैरह जो भी आपको पसंद हो।
वो छिड़क सकते हैं। देखिए मैंने इसे कट कर लिया है, बहुत ही सॉफ्ट बना है और खाने में टेस्टी भी है, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका यह कच्चे आलू का टेस्टी नाश्ता कैसा बना। तो फ्रेंड अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और एकता रेसिपी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।